गणतंत्र दिवस के अवसर पर पौड़ी के कंट्रोलिया मैदान में भव्य परेड का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत शामिल हुए। वहीं मुख्य अतिथि ने सम्मान पूर्वक राष्ट्रीय ध्वज को फहराया और परेड की सलामी भी ली। परेड में आर्म्ड पुलिस, सिविल पुलिस, जिला होमगार्ड, NCC प्लाटून शामिल रही। इस मौके पर परेड के दौरान विभिन्न विभागों की झांकियां भी देखने को मिली है। मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने वाले सभी लोगों को याद किया और अपने संबोधन के माध्यम से आज़ादी के आंदोलन के शहीदों को श्रद्धा के समन अर्पित किए हैं। पौड़ी से मुकेश बसेती की रिपोर्ट। पूरे देश में हमारा जो 75वां गणतंत्र दिवस है बड़े धूमधाम से मनाया गया और हजारों बच्चों की तरफ से आज तिरंगा यात्रा भी निकाली गई। जिला प्रशासन के द्वारा आज यहाँ पर भव्य परेड का आयोजन किया गया और मैं जिला प्रशासन को भी, अपने पुलिस के सभी अधिकारियों को, कार्मिकों को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ कि एक भव्य आयोजन आज पौड़ी में किया गया है। और पौड़ी जिला तो वैसे भी चाहे आज़ादी का आंदोलन हो, चाहे कोई भी लड़ाई, इसमें पौड़ी जिले की बहुत अग्रणी भूमिका रही है। आज उन सभी शहीदों को हमने यहाँ पर